हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएम इंग्लिश क्लासेज। आरएम इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आइए आज कंपाउंड सेंटेंस जो एक्सरसाइज इसमें दिया गया है, ऑब्जेक्टिव टाइप, चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन बताना है, इंटरमीडिएट की ग्रामर की बुक एक्सेलेंट से दिया गया है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके पहले हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस इन दोनों की बना चुका हूँ। ये भी कॉम्प्लेक्स, हाँ कॉम्प्लेक्स का नाउन क्लाज, एडजेक्टिव क्लाज, एडवर्ब क्लाज तीनों का मिला के दिया था, उसको भी करा चुका हूँ, सिंपल का भी करा चुका हूँ। ये कंपाउंड सेंटेंस इसका मैं आज कराने जा रहा हूँ। इसमें सात क्वेश्चन दिए हैं, सातों का करेक्ट आंसर, सातों में से जो है उसको बताना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो एक्सीलेंट में दिया गया है, क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव भी है आपके, कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे, 8 से 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए आएंगे, इसलिए दोनों की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ये आपको एक्सीलेंट की नई बुक में मिलेगा, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप यहीं से देख लीजिए। और इसके बाद मैं तुरंत आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है उसको भी मैं सॉल्व करा दूंगा, फिर उसके बाद अनसॉल्व भी इसी चैनल पे आपको मिलेगा। ओवरऑल जो भी परीक्षा में आता है सारी प्रैक्टिस मैं इसको करवाऊँगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या करा। पहले तो प्रश्न डायरेक्शन पढ़े, चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव सो एज टू हैव कंपाउंड सेंटेंस। सही विकल्प को, अल्टरनेटिव विकल्प को चुनो सो एज, ताकि टू हैव कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस बन सके। अब देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन देखेंगे। दैट एनिमल, वह जानवर, मे बी ए फिश, मछली हो सकता है। एनिमल माने प्राणी, जानवर, वह जंतु कह सकते हो, वह जानवर मछली हो सकता है। इट मे बी सर्पेंट, वह सांप हो सकता है। इट मस्ट बी वन ऑफ देम, वह उनमें से कोई भी एक हो सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो आपको ऑब्जेक्टिव दिए हैं ये सारे बोर्ड एग्जाम में भी आ चुके हैं, इसमें काफ़ी क्वेश्चन आए हैं बोर्ड एग्जाम में भी, क्योंकि वहाँ मैं सॉल्व कराऊंगा तब भी मिलेंगे, लेकिन यहाँ आपको ऑब्जेक्टिव टाइप दिया गया, यहाँ तो आपको 100% करेक्ट आंसर लिखना है, तो इसलिए आप कन्फ्यूज मत होइए। उसमें लिखने वाले में थोड़ा बहुत आप गलत भी लिख देंगे, कंजक्शन वगैरह सही रहेगा एग्जामिनर नंबर दे देगा, लेकिन यहाँ कुछ नहीं देगा। अगर सही तो सही पूरा पाओगे, नहीं तो एक भी नहीं पाओगे, वहाँ दो में एक भले दे सकता हूँ, इसलिए इसको बहुत अच्छे से आप समझिए। और साथ के साथ मैं ये भी बताऊँगा क्यों नहीं हो सकता है, ताकि आप कोई कन्फ्यूजन ना हो, बिना रटे आ जाए। अब पहले कंपाउंड सेंटेंस के बारे में हम थोड़ा सा आपको एलिजिबिलिटी बता दें, वैसे आप बिल्कुल नहीं जानते तो आप सर्च कर लीजिए वीडियो, कंपाउंड सेंटेंस रूल्स एंड एग्जाम्पल्स फ्रॉम एक्सीलेंट बुक बाय रमेश सर, तो आपको मिल जाएगा पूरा, इसी किताब से मैं एक्सप्लेन किया हूँ, नहीं तो आप शॉर्टकट में मैं बता दे रहा हूँ तब भी आपको समझ में आ ही जाएगा। कंपाउंड सेंटेंस में होता क्या कि एक प्रिंसिपल क्लाज होती है, प्रिंसिपल क्लाज उसे कहते हैं जिसमें कोई कंजक्शन नहीं रहता, और एक कोऑर्डिनेट क्लाज होती है, कोऑर्डिनेट क्लाज किसे कहते हैं, इसमें चार प्रकार के कंजक्शन होते हैं, जोड़ बताने वाले, विकल्प बताने वाले और परिणाम बताने वाले, विरोध बताने वाले, इन सभी कंजक्शनों से वो जुड़ा रहता है। ठीक, तो उसमें कुछ विशेष प्रकार के कंजक्शन होते हैं जिनसे जुड़ा रहता है, तो मैं शॉर्टकट में सभी कंजक्शन को बता दे रहा हूँ, और इतना जान लीजिए परीक्षा में आप बैठेंगे तो यही कंजक्शन पता, तो यही आपके सूत्र हैं, आप कर ले जाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। कंजक्शन में जैसे क्या होती है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कौन कौन से कंजक्शन आते हैं आपको बताया गया, दैट आता है, इफ यू वेदर या डब्ल्यू एच फैमिली, ये सब आते हैं, और कंपाउंड में इसके अलावा सब आते हैं। कंपाउंड में जैसे आपको शॉर्टकट में जान लीजिए कि इसकी ट्रिक है फैन बॉयज, इसको आप याद कर लीजिए, अगर अपने मन से करना तो इसी में से काम चल जाएगा, ऑप्शनल में आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा, मैं बता दे रहा हूँ। फैन मतलब यह मतलब फार, ए मतलब एंड, यन मतलब नाइदर नार, बीक मतलब बट, ओक मतलब आर या अदरवाइज, वाइक मतलब वेट, यस मतलब स्टिल, इन सब में से कोई भी कंजक्शन आएगी, इन फैन बॉयज को आप आराम से याद करेंगे फुल फॉर्म में जो कंजक्शन में रहा, तो कन्फर्म है कंपाउंड सेंटेंस रहेगा, नहीं तो कॉम्प्लेक्स रहेगा। ठीक है, तो इस तरह भी आप ट्रिक बना सकते हैं अगर आप भूल जाएँ तो। चलिए देखते हैं, दैट एनिमल मे बी ए फिश, इट मे बी सर्पेंट, इट मस्ट बी वन ऑफ देम। अब इसमें कोई आदमी कह रहा है कि वह कोई मतलब ये प्राणी है, मान लीजिए या कोई कटिया लेके गया, ठीक है एंगलर है, मछुआरा है, तो फंसाने गया मछली, तो कोई मछली, कभी कभी सांप भी फंस सकता है जाल में, या मछली से किसी प्रकार से भी, कटिए से या जाल में, मान लीजिए कोई फंस गया ऊपर से देख रहा है कि ये मछली लग रही है, कोई कह रहा है सांप लग रहा है, फिर अपने मन में सोच रहा है ये दोनों में से तो एक हो ही सकता है, इस तरह से संभावना व्यक्त कर रहा है। तो देखिए जोड़ के हम कैसे कहेंगे, वह जानवर मछली हो सकता है,
वह सांप हो सकता है, वह उनमें से एक हो सकता है। मान लीजिए हिंदी में कैसे कहोगे, अगर हिंदी में आपको कहना आ गया तो भी आप अंग्रेजी समझ सकते हो। तो आप हिंदी में ऐसे कहोगे वह जानवर, ठीक है, या तो मछली या सांप हो सकता है, क्योंकि दोनों में से कोई भी हो सकता है, ये भी बताया। तो तीनों को आपको एक मतलब वाक्य में बताया बनाना पड़ेगा कंजक्शन के माध्यम से, वह जानवर या तो मछली या सांप हो सकता है, ये हो सकता है हिंदी। लेकिन चलिए देखते हैं अंग्रेजी क्या बनाए। दैट एनिमल में भी बोथ ए फिश एंड ए सर्पेंट, दोनों तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वन ऑफ देम है, तो पहला ऑप्शन काट दीजिए। दैट एनिमल मस्ट बी नॉट ओनली ए फिश बट ऑल्सो सर, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि वह जानवर कह रहे हैं कि ना केवल मछली बल्कि सांप भी हो सकता है, तो दोनों तो बताना ही नहीं है, तो इसलिए भी कट गया। तीसरा, दैट एनिमल इज आइदर ए फिश आर ए सर्पेंट, वह जानवर या तो मछली या सांप है, ये तो बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, जिसको हम ऑप्शन में ले लेते हैं, हो सकता है चौथा भी, लेकिन पढ़ रहे हैं कि वो नहीं हो सकता ताकि 100% आप कंफर्म हो सकें। दैट एनिमल में भी ए फिश सो इट इज ए सर्पेंट, तो ये भी गलत है, वह जानवर मछली हो सकता है इसीलिए यह सांप है, तो ये भी अर्थ का अनर्थ हो रहा है, तो 100% आपका सी वाला सही है। चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एनिमल वाला, कई बार एग्जाम में आया लेकिन ऑप्शनल में पहली बार आएगा, इसलिए आप उसको ध्यान से देखिए। परचेज द बुक डू नॉट डिले, किताब खरीदो देरी मत करो, तो इसको आपको क्या करना है, कंपाउंड बनाना। तो इफ़ यू डू नॉट, आप किताब खरीदो देरी ना करो, तो इसको कंपाउंड में कैसे जोड़ोगे, कंपाउंड में ऐसे ही जोड़ोगे किताब खरीदो और देरी ना करो। तो पहला क्या है, इफ़ यू डू नॉट डिले, तो इफ़ तो लगता ही नहीं कंपाउंड सेंटेंस में, ये जान ही लीजिए। और परचेज द बुक एंड डू नॉट डिले, ये बिल्कुल हो सकता है क्योंकि फाइन वॉज में बताए थे ऐसे एंड आता है इसमें, ठीक है, तो एंड से जोड़ा गया, तो ये हो सकता है। देख लेते हैं और भी क्यों नहीं हो सकता है। परचेज द बुक आर डू नॉट डिले, किताब खरीदो नहीं तो देरी ना करो, ये कोई बात नहीं है, ये भी गलत है। परचेज द बुक सो डू नॉट, किताब खरीदो इसीलिए देरी ना करो, तो ये भी नहीं हो सकता, तो गलत है, सेंस ही नहीं निकला, तो बी वाला 100% आपका करेक्ट है। तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो शेयर जरूर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी देख सकें, उनका भी भला हो सके, और लाइक ज़रूर कर दीजिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं लाइक कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि बच्चे लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, उनको ज़रूरत है पढ़ने की, मैं उनके लिए और भी मेहनत करूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपके लिए मेहनत भी कर रहा हूँ, तो कुछ मोटिवेशन के लिए आप लोग मेरा सहयोग करें, मुझे मोटिवेट करें लाइक करके शेयर करके। आगे, यू स्टार्ट नाउ, यू मस्ट स्टार्ट नाउ, तुम्हें अभी स्टार्ट कर देना चाहिए, शुरू कर देना चाहिए, यू विल बी लेट, तुम्हें देर हो जाएगी। तो इसमें चार ऑप्शन है, बताइए कौन सा सही होगा। यू मस्ट स्टार्ट नाउ आर यू विल बी लेट, बिल्कुल ये सही लग रहा है क्योंकि देखिए इसको तुम्हें अभी शुरू कर देना चाहिए, स्टार्ट मैंने यात्रा शुरू कर देना, कहीं जाना है तो कहते हैं कि अभी इस यात्रा को स्टार्ट कर दो, यू विल बी लेट, तुम्हें देर हो जाएगी, या स्टार्ट मिस रवाना होना भी, रवाना हो जाना चाहिए, देर हो जाएगी। तो हम यही कहेंगे तुम्हें स्टार्ट अभी कर देना चाहिए, नहीं तो तुम्हें देर हो जाएगी, मैंने यात्रा भी शुरू कर देना चाहिए या रवाना होना जब इन्हें। तो पहला आर माने या तो नहीं तो होता है, तो इसलिए पहला सही लग रहा है, और भी ऑप्शन देख लेना क्यों नहीं हो सकते हैं। यू विल बी लेट आर यू मस्ट स्टार्ट ना, तुम्हें देर हो जाएगी नहीं तो तुम अभी स्टार्ट करो, ठीक है, गलत गलत है, अभी स्टार्ट करो नहीं तो देर हो जाएगी, उल्टा कह दिए। दूसरा होने से इफ़ तो लगता ही नहीं कंपाउंड में, ये भी हटा दीजिए। यू मस्ट स्टार्ट नाउ टू ए बाइड, इसमें कंजक्शन ही नहीं, ये भी नहीं है, तो 100% आपका पहला आंसर सही है। चलिए आगे भी देख लेते हैं, चौथा क्वेश्चन भी देख ले रहे हैं, चौथा पांचवा सात हैं, सातों हम देखेंगे। लास्ट ईयर आई वेंट टू आगरा, पिछले साल मैं आगरा गया, आई सा द ताज देयर, मैं वहाँ ताजमहल देखा। तो इसमें देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, सॉरी कंपाउंड बनाना है। तो लास्ट ईयर आई वेंट टू आगरा टू सी, इसमें तो कोई कंजक्शन ही नहीं, इसको काट दीजिए। लास्ट ईयर आई सा द ताज इन आगरा, इसमें भी कंजक्शन नहीं, इसको भी काट दीजिए। लास्ट ईयर गोइंग टू आगरा आई सा द ताज, इसमें भी कंजक्शन नहीं, ये भी काट दीजिए। तो बचा क्या है, डी वाला, आप बिना जो है कंजक्शन जाने भी आप कर सकते हैं, क्योंकि भाई बिना कंजक्शन के तो वाक्य हो ही नहीं सकता, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सिंपल हो सकता है, तो तीनों कट गए। हाँ, चौथा सही है, कैसे सही है उसका अर्थ भी मैं बता रहा हूँ। लास्ट ईयर आई वेंट टू आगरा, पिछले साल मैं आगरा गया था, वेयर आई सा द ताज, जहाँ पर मैं ताजमहल देखा। तो देखिए स्थान की बात रह गई तो हमेशा वेयर का प्रयोग होता है, और वेयर के पहले वो नाउन आ जाता है जिसके लिए वेयर लगता है, तो आराम से आपका वेयर सही है, पिछले साल मैं आगरा गया था जहाँ मैंने ताजमहल देखा। अब एक बात ध्यान दीजिए, वेयर आ गया तो वेयर के आने से देर हट जाता है, ठीक है, वेयर आने से हीयर और देयर हट जाता है, ठीक, क्योंकि वेयर हीयर और देयर का बाप है, इस तरह से आप फनी स्टाइल में इसको समझ सकते हैं। स्थान के लिए इधर देयर हीयर का काम किया है, जोड़ने पर देर वहाँ और यहाँ नहीं आएगा। अगला है, ही इज रिच, वह अमीर है, ही लीड्स ए सिंपल लाइफ, वह एक साधारण जीवन बिताता है,
अब देखिए, वह अमीर है और साधारण जीवन बिताता है, तो इसको आपको कंपाउंड बनाना था। ही इज़ रिच बट ही लीड्स ए सिंपल लाइफ, ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। वह अमीर है, वह साधारण जीवन बिताता, तो आप इसमें क्या प्रकट हो रहा है? विरोध प्रकट हो रहा है। तो आप इसको ऐसे कहोगे हिंदी में, यद्यपि वह अमीर है फिर भी वह साधारण जीवन बिताता, ऐसे आप जोड़ोगे। तो देखिए, ही इज़ रिच बट ही, वह अमीर है लेकिन वह साधारण जीवन बिताता है, तो मान लीजिए ये भी लेकिन से जोड़ा जा रहा है, तो ऐसा हम अक्सर नहीं कहते हैं, बाकी बट है तो कंजक्शन बट कंपाउंड का है, लेकिन ये उतना बेटर नहीं है, तो इसलिए हम और ऑप्शन को पढ़ेंगे। ऑल्दो ही इज़ रिच, यद्यपि वह अमीर है, ही लीड्स ए सिंपल, फिर भी वह साधारण जीवन बिताता, बिल्कुल एकदम 100% सही लग रहा है, सही है भी, क्योंकि हिंदी में भी हम वही जोड़ रहे हैं, यद्यपि वह अमीर है फिर भी वो, तो बात के विरोध के लिए जो है, सॉरी 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 गलत हो जाएगा, या आपका आल्दो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस में आल्दो नहीं आता है। फाइन बॉयज हम बताए थे ट्रिक ना, ठीक है, और आल्दो ये विरोध बताने के लिए कॉम्प्लेक्स में आएगा, कॉम्प्लेक्स होता तो ये सही था, ये भी, इसलिए बी भी नहीं हो सकता है। ठीक, आप देखिए, तो जब बी नहीं हो सकता है तो बी से बेटर ऑप्शन आपके पास ए है, तो बता दिए, तो बट तो हो ही सकता है, हम कन्फ्यूजन में गए थे कि यद्यपि से कह दिए थे, तो इसलिए सॉरी फॉर दैट, तो यद्यपि तो कॉम्प्लेक्स में होगा, तो पहला ही ऑप्शन हम दोनों को, क्योंकि तर्क वितर्क करेंगे ना, उससे ऑप्शन सही मिलेंगे कि, तो पहला तो बट से तो विरोध बता ही रहा, तो सही है, ठीक है, क्योंकि आल तो हो ही नहीं सकता, और भी ऑप्शन हम कन्फर्म कर दे रहे हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ बींग रिच ही, इसमें कंजक्शन ही नहीं, तो ये सिंपल सेंटेंस है, हो ही नहीं सकता। ही इज रिच, वह अमीर है, सो ही लीड्स से सिंपल है, इसीलिए वह साधारण जीवन बिताता है। तो देखिए, सो भी तो आपके कंपाउंड के कंजक्शन है, तो पहला बट और सो में से ही एक हो सकता है। अब हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। तो सो तो भाई देखिए, बात का ही मतलब मजाक उड़ा दिया, वह अमीर है इसीलिए साधारण जीवन बिताता है, ये तो ताना मार दिया गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं, अमीर आदमी साधारण जीवन बिताता नहीं, अक्सर वो लग्जरियस लाइफ बिताता, आराम से जिंदगी बिताता, तो पहला सही है, ठीक है। तो ये हो नहीं सकता, वह अमीर है लेकिन वह साधारण जीवन बिताता, मतलब गरीब है, अमीर है लेकिन वह साधारण जीवन बिताता है, तो लेकिन मतलब बात का विरोध हो गया, तो विरोधी बात है, तो विरोधी बात में हम सो नहीं लगाएंगे, सो तो परिणाम में के लिए लगाते हैं, ऐसा कह रहे यहाँ होता, वह गरीब है इसीलिए वह साधारण जीवन, तब तो सही हो जाता सो, ये अमीर के नाते नहीं होगा। तो पहला आपका 100% 5 में ए सही है। इस तरह से कंजक्शन में भी कन्फ्यूजन हो सकता है, अर्थ के हिसाब से देखेंगे ना, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कभी आप हिंदी निकाल सकते हो, तो इसलिए आप फाइन बॉयज जरूर ट्रिक याद कर लीजिए, फाइन बॉयज, ठीक है, फाइन बॉयज में देखिए बी कंजक्शन आ गया, आ जा रहा है ना, कन्फर्म है वो। अगला है, ही केम टू माई फादर, वह मेरे पिता के पास आया, ही वेलकम्ड हिम वार्मली, वह उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। तब इसको हम जोड़ेंगे, तो देखिए क्या जोड़ते हैं, ही केम टू माई फादर बिकॉज ही वेलकम्ड हिम, वह मेरे पिताजी के पास आया क्योंकि वह उसका गर्मजोशी से स्वागत किया, तो बिकॉज तो कंपाउंड सेंटेंस में लगता ही नहीं, इसलिए इसको काट दीजिए। ही केम टू माई फादर हु वेलकम्ड हिम वार्मली, ठीक है, वह मेरे पिता के पास आया जो उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। तो देखिए, हु जो है फाइन बॉयज में भले नहीं है, लेकिन उसका एक अपवाद भी है चारों कंजक्शन के अलावा, कि रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग करके कंटिन्यूटी सेंस में, अब एक्सीलेंट में देखेंगे तो रूल टू में दिया गया चारों कंजक्शन के बाद, कि कंटिन्यूटी सेंस में हम हु विच वेयर इनका प्रयोग करके भी बना सकते हैं, जब जो है हु विच वेयर विशेषता बतलाने के लिए नहीं लगेंगे, एडजेक्टिव क्लाज नहीं बनाएंगे, तो हम उसको हम कंपाउंड सेंटेंस मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ विशेषता नहीं बतलाया जाएगा। अब वह मेरे पिताजी के पास है जो उसका गर्मजोशी से स्वागत किया, तो हु किसके लिए लगा है, ही के लिए लगा, तो ये ऑप्शन आपका बी सही है, लेकिन और भी हम देख लेना है क्यों नहीं हो सकते हैं, ताकि आपको 100% सेटिस्फैक्शन मिले, पूरा कन्फर्म होगा, धैर्य रखिए, आगे भी पढ़ लेते हैं। देखिए, अगला है आपका, ही केम टू माई फादर फॉर ए वार्म वेलकम, तो ये तो बिल्कुल गलत ही है, क्योंकि इसमें कंजक्शन नहीं है, फॉर के बाद तो सब्जेक्ट नहीं है। ही केम टू माई फादर सो ही वेलकम्ड हिम, वह मेरे पिताजी के पास इसलिए वह उसका गर्मजोशी से स्वागत किया, ये बात गलत है, पिताजी के पास आए इसलिए स्वागत किया, बहुत लोग आते रहते हैं, तो इस थोड़ी ना। अब जो है हु आपका सही है, बी वाला सही है, कैसे सही है मैं थोड़ा फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, 100% आप कन्फर्म हो जाए, रूल भी जान लीजिए। वह मेरे पिताजी के पास आया, देखिए व्यक्ति के लिए हमेशा हु लगता है, ठीक, व्यक्ति के लिए क्या लगता है, हु लगता है। अब इसमें सो तो लगता ना, सो तब लगता है पहले में कोई कारण बताया गया, परिणाम बताया गया, तब सो लगता है, तो इसलिए डी नहीं हो सकता। और दूसरी बात जान लीजिए कि ये हु जो है, हु वेलकम्ड हिम वार, ये आपका सीसी है, यानी कोऑर्डिनेट क्लाज है, ही केम टू माय फादर प्रिंसिपल क्लाज है, जब प्रिंसिपल क्लाज के साथ कोऑर्डिनेट क्लाज आता तो हमेशा वो कंपाउंड सेंटेंस ही बनता है। कैसे जान रहे कोऑर्डिनेट क्लाज है, इसको एडजेक्टिव क्लाज क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि एडजेक्टिव होता तो कॉम्प्लेक्स बन जाता, उसको जान लीजिए। वह मेरे पिताजी के पास आया जो उसका गर्म जो मतलब पिताजी स्वागत किए,
अब हमेशा हम आपको ये भी बताए थे नाउन में प्रश्न करिए कौन वाला, ठीक। तो कौन वाला अगर प्रश्न करेंगे तो जो उत्तर आएगा वो हमेशा एडजेक्टिव क्लॉज होगा, ठीक। लेकिन कौन वाला प्रश्न करने से किस तरह से उत्तर आना चाहिए, सिलेक्शन का भाव प्रकट होना चाहिए, मतलब ज़्यादा लोग हैं तो उनमें से कौन वाला, तब इस तरह से जो उत्तर है वो एडजेक्टिव क्लॉज होता है। अगर इस तरह से नहीं है तो एडजेक्टिव क्लॉज नहीं होता, भले हु से जुड़ा है उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज। अब इसमें प्रश्न करूँगा मेरे पिताजी, कौन वाले पिताजी, अब कौन वाले पिताजी, पिताजी तो एक ही होते हैं तो फादर तो एक ही है, फादर में तो ऐसा लगा नहीं है कि मुंह बोले पिताजी कोई और हैं सौतेले, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो पिताजी एक ही, तो एक इसमें सिलेक्शन नहीं हम कर सकते हैं, तो इसलिए मतलब कि हम इसको हम एडजेक्टिव क्लॉज इसलिए नहीं मानते। तो जब एक ही वजह किसी का नाम हो या फादर हो मदर हो उसमें यस नहीं लगा, ठीक है, तो एक ही रहते हैं तो उसको हम एडजेक्टिव क्लॉज नहीं बनाते हैं, उसके बाद हो लगाने से बनता नहीं, ठीक। वैसे इसमें आपको एक्सीलेंट में देखेंगे तो फादर के बाद ऐसे वाक्य रहेंगे तो कामा लगा देंगे, कोष्ठक में एंड ही लिख देंगे, ठीक है, बराबर एंड ही, क्यों, क्योंकि ऐसे लिख देना चाहिए, उससे कन्फर्म हो जाता है एंड ही, मतलब कि वह मेरे पिताजी पास और वह उसका गर्मजोशी स्वागत किए, एंड लगा एंड ही कोष्टक में लिख दें, एंड ही का मतलब हु, यहाँ हु लिख दिया गया कोष्टक में, एंड ही नहीं दिखा गया अब, तो उससे नहीं मतलब, आपको सबसे बेटर आंसर यही है कोष्टक में लिखें या ना लिखें आपको मान लेना चाहिए, अपने मन से लिखें तो आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ कामा भी लगा देना चाहिए थे, कामा लगना चाहिए वैसे, अगर कोऑर्डिनेट क्लॉज है मतलब डब्ल्यू एच हु है हु विच वेयर, अगर ये विशेषता नहीं बताने के लिए हुए हैं कि कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाने के लिए, इनके पहले कामा लग जाता है, तो यहाँ कामा लगा रहेगा तब भी जानिए वो विशेषता नहीं बता रहे, कामा भी नहीं लगाए हैं तो उससे नहीं मतलब है आप, ठीक है, इतना कामा या कोष्टक वाले से मैं मत जाइए, बाकी बेटर आंसर है तो इसलिए सही माना जाएगा कि ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि ये सब इतना ज़्यादा नहीं देखा जाता, ठीक। तो इसलिए आपका बी सही है, ठीक। तो जो उसका गर्म जोशी स्वागत किया, जो मतलब और वह पिताजी के पास आया, वह मेरे पिताजी के पास और वह उसका गर्म जोशी, एंड ही से भी तो हम कर सकते हैं, तो एंड ही हटाने के लिए हु लग जाता है, तो इसलिए आपका बी सही आंसर है। आई होप समझ में आ गया, इतना एक्सप्लेन इसलिए कर रहे हैं, समय भले लगे लेकिन आपको पूरा समझ में आ जाए। अगला है देखिए, आई डिड नॉट गो टू लखनऊ, मैं लखनऊ नहीं गया, माई फादर डिड नॉट गो टू लखनऊ, मेरे पिताजी लखनऊ नहीं गए, ठीक। अब इसमें देखिए कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, नाइदर आई नॉर माई फादर वेंट टू लखनऊ, ना तो मैं ना तो मेरे पिताजी लखनऊ गए, मैं नहीं लखनऊ गया, मेरे पिताजी लखनऊ गए नहीं गए, तो बिल्कुल सही लग रहा है पहला, ठीक है, नाइदर नॉर लगता है, दोनों निगेटिव वाक्य है, बिल्कुल सही है, ना तो मैं, लेकिन फिर भी नाइदर नॉर तो लगा, सही तो है, लेकिन हम इसमें कुछ और भी रूल्स हैं, इसलिए हम इसको 100% अभी सही नहीं कह सकते, ठीक है, 100% सही हम नहीं कह सकते, इसको ऑप्शन में हम रखेंगे, अभी और भी पढ़ेंगे तब हम निष्कर्ष निकालेंगे ताकि आपको एकदम कन्फर्म हो जाए। दूसरा देखते हैं, नाइदर आई वेंट टू लखनऊ नॉर डिड माय ब्रदर, ना तो मैं लखनऊ गया ना ही मेरा भाई, ठीक। तो अब देखिए, नाइदर आई तो ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि नाइदर नॉर इसमें भी है, तो इसलिए हम और पढ़ेंगे, 100% आपको संतुष्ट करें ताकि, माय ब्रदर एंड आई डिड नॉट गो टू लखनऊ तो ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि माय ब्रदर एंड आई को जोड़ दिया गया, तो ये तो सिंपल में भी दो शब्द जोड़े जा सकते हैं, आई डिड नॉट गो टू लखनऊ एंड माई ब्रदर डिड नॉट गो टू लखनऊ, मैं नहीं लखनऊ गया, मेरा भाई और मेरा भाई लखनऊ नहीं गया, ठीक। तो अब इसमें से देखना पड़ेगा, नाइदर आई नॉर माई ब्रदर वेंट टू लखनऊ, तो कुल मिला के इसमें सही ऑप्शन पहला ही है क्योंकि ये भाई बताए थे सही है, लेकिन और भी हम देखेंगे कि तभी कन्फर्म करेंगे, ठीक। देखिए क्यों सही है उसका भी कारण जान लीजिए कि नाइदर आई वेंट टू लखनऊ नॉर डिड माई, नाइदर नॉर सब में है तो नाइदर नॉर से तो बनेगी तो क्लियर है, लेकिन नाइदर के बाद देखिए इसमें नाइदर के बाद सब्जेक्ट आई है और इसमें नॉर के बाद सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ साई क्रिया डिड है, तो ये भी ग्रामर का रूल्स होता है नाइदर नॉर में कि नाइदर के बाद अगर सब्जेक्ट आएगा तो नॉर के बाद भी सब्जेक्ट आना चाहिए, नाइदर के बाद अगर वर्ब आएगा तो नॉर के बाद भी वर्ब आना चाहिए, तो यहाँ नाइदर के बाद वर्ब आया नहीं, इसीलिए ये आपका बी सही नहीं है। ये अंदर का रूल बता रहा हूँ आपको, एक्सेलेंट में ये सब रूल नहीं दिए गए हैं, कंपटीशनल बुक पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा, तो क्योंकि मैं कंपटीशन निकाला हूँ, ठीक है, आयोग से मैं चयनित हूँ इंटर कॉलेज में, जैसे आपको पता है, तो मैं इतनी सारी किताबें पढ़ चुका हूँ इसलिए मुझे पूरा नॉलेज है, मैं उस हिसाब से आपको तभी संतुष्ट कर पा रहा हूँ, ठीक। तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, एसएससी लेवल की बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको ऐसी जानकारियाँ मिल जाएंगी। देखिए, नाइदर आई वेंट टू लखनऊ नॉर, ये तो इसलिए नहीं हो सकता बता दिए, माई ब्रदर एंड आई डिड नॉट ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये शब्द जोड़े गए हैं,
आई डिड नॉट गो टू लखनऊ एंड माई ब्रदर डिड नॉट, ये कोई बात नहीं, मैं लखनऊ नहीं गया और मेरा भाई लखनऊ नहीं गया, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि दोनों को जोड़ के दोनों को निगेटिव रहता तो ना इधर नार से लगता, ना तो मैं लखनऊ गया ना तो मेरे, ठीक है, मेरा भाई गया, ठीक। तो बेटर आंसर डी से भी बेटर आंसर आपका ये है कि दोनों निगेटिव है तो ये ठीक है, तो इस तरह से नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है, कि जोड़कर बताने वाली बात इसमें नहीं है, जोड़कर हम केवल सिंपल बता सकते हैं इस तरह से। तो पहला ऑप्शन सही है आपका, देखिए नाइदर के बाद भी सब्जेक्ट आई है, नार के बाद भी, नार के बाद भी देखिए सब्जेक्ट माय ब्रदर है, नाइदर आई नार माय ब्रदर, तो नाइदर नार से सिंपल सेंटेंस जोड़ा नहीं जाता है, दो सब्जेक्ट जोड़े नहीं जा सकते, तो इसलिए पहला ऑप्शन सही है, तो इसको कंपाउंड ही माना जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि सभी विद्यार्थियों को हेल्प मिल सके। आगे आपको जो है इसकी मैं एक सिंपल कॉम और सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड तीनों के ऑब्जेक्टिव के मैं एक मास्टर वीडियो भी बना दूँगा आप, ताकि बाद में रिवीजन कर सकें। बाकी आपको अब कल से इसके बाद की वीडियो से आपको सिंथेसिस के सभी जो है बोर्ड एग्जाम की एक्सरसाइज फटाफट आपको मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए।